हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। वैसे तो अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं और बहुत से राइटर्स ने इसके ऊपर अपने अपने अनुभव भी लिखे हैं और बुक्स भी बहुत सी इस बारे में प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं अमीर बनने का ख्वाब लिए बैठा है। परंतु अमीर बनने के लिए पैसों के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन सही होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास रुपए हैं, कुछ भी अमाउंट है, और आप उसको सेविंग में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि ज़ीरो के बराबर है। अब मैं बताऊँगा कि वो ज़ीरो के बराबर क्यों है। अब मान लीजिए सेविंग के अलावा आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी एफडी में। यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिखाया है फ्रेंड्स, आप चार्ट देख सकते हैं। मान लीजिए 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, जो एफडी का जो रेशो है वो 5.5 का है, और आपने इसको 11 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास 1,82,372 रुपये बनते हैं। अप्रोक्सीमेट 12.5 साल के आसपास आपका पैसा डबल हो जाता है एफडी में। पर एफडी में जो पैसा डबल हुआ उस पर आपको 10% TDS भी देना पड़ेगा, टैक्स भी आपका डिडक्ट होगा 10%। यदि मान लिया आपने 1,00,000 रुपया जमा किया, 1,00,000 रुपये आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर बना है, तो आपका 10,000 रुपये जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर से 10,000 रुपये कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टैक्स काट लिया जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर 1,90,000 रुपये ही आपके हिस्से में आएंगे जब वो पैसा डबल हो जाएगा। क्या ये सही है जो इंटरेस्ट रेट है, क्या ये आपको अमीर बना सकता है? नहीं फ्रेंड्स, ये इंटरेस्ट रेट आपको पूरी लाइफ भी रिच नहीं बना सकता, ये पैसा आपको अमीर नहीं बना सकता। इसके लिए आपको कुछ अलग से करना होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि क्या फंडिंग है इसकी। ये आपको रिच क्यों नहीं बना सकता ये भी मैं आगे जवाब दूंगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जो महंगाई दर है वो इस समय 6-12% के आसपास है, और यदि आप अपने पैसे को 5% पर कैलकुलेशन करते हैं, 5.5 पर, और महंगाई 6 से तो पहले ही अबव है, 6 और 12 के बीच में है, तो फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस बिल्कुल ज़ीरो है। महंगाई की यदि बात करें तो महंगाई की जो दर रही है फ्रेंड्स वो 12.5%, 6 से लेकर 12.5% के बीच में रही है। यदि महंगाई को कैलकुलेट की जाए तो जो भी प्रोडक्ट हैं मार्केट के अंदर, जो भी प्रोडक्ट हैं, लगभग 12 साल के बाद उनके प्राइस डबल हो जाते हैं। मान लीजिए आपने शुगर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जो शुगर थी चीनी 2010 में 21 से 22 रुपए के बीच रही, और यही शुगर आज की डेट में 2021 में 40 से 42 रुपए के बीच में मार्केट में है, जिससे क्लियर हो जाता है कि लगभग 11 से 12 साल के बीच में कोई भी प्रोडक्ट है वो अपने दाम से दोगुना हो जाएगा। और यदि आपका पैसा 11 साल में डबल नहीं होता है तो आप महंगाई को बीट नहीं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर गोल्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ। वैसे तो जो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे बेहतरीन है, और जो गोल्ड का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही अच्छी है, इसमें लॉस की संभावनाएं मैक्सिमम कम ही रहती हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो है गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सो फ्रेंड, यदि आपके पास महंगाई जो रेशो है 6 से 12%, यदि आप अपने पैसे को
सिक्स से 12% से अधिक ग्रोथ नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, आपका इन्वेस्टमेंट जो करने का सिस्टम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कीजिए जहाँ पर आपको अर्निंग जो है आपके इंटरेस्ट पर 12% से अधिक रहे। यदि वो 12% से 12% से कम है तो उसका कोई बेनिफिट आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि महंगाई जो है वो तो बढ़ती रहेगी, लेकिन आपका पैसा यदि महंगाई के इक्वल भी नहीं चला तो कोई उसका लाभ नहीं है। कम से कम वो महंगाई के इक्वल तो रहे, तभी फ्रेंड्स आप ग्रोथ कर सकते हैं। और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए मैं अगली एक वीडियो मैंने बना रखी है कि आप किस किस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके 12% से अधिक अर्न कर सकते हैं और महंगाई को हरा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, यदि आप महंगाई को बीट नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।